जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक दोनोटो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि बात करने वाले हैं, जो कि हाल ही में सरकार ने ई श्रमिक कार्ड की जो कि सेवा है शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, इस वीडियो में मिलने वाली है सारी इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक्निकल सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जो कि इसका क्या प्रोसेस है, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे नेशनल डाटाबेस ई श्रम का जो कि यह पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दो आप जो है आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं। यदि आप एक CSC BLE हैं, तो अपनी ID और पासवर्ड को एंटर करके आप यहाँ पे रजिस्टर थ्रू CSC डिजिटल सेवा के माध्यम से आप कर सकते हैं। और यदि आप विदाउट ID और पासवर्ड के करना चाहते हैं, तो सिंपल से यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके जो कि करने वाले हैं, तो सिंपल सा जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं, उसके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को सिंपल सा यहां पे इंटर करना है। इसके सामने आपके सामने जो कि दिख रहे हैं जो कि कैप्चा को यहां पे इंटर करना है और सिंपल सा सेंड OTP पे यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जो कि आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का जो कि पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे इंटर करना है और सिंपल सा आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे फिर से कुछ इस तरह का जो कि पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, जिसके लिए भी हम अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल सा यहाँ का आधार नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का जो कि पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड के मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का जो कि एक OTP जाएगा, उसको सिंपल सा आपको यहां पे इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहां पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जो कि आपके सामने आधार कार्ड से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यहां पे एक बार देख लेना है। इसके बाद दोस्तों, आप नीचे आना है और सिंपल सा यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है और कंटिन्यू इंटर पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको अपनी यहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करना है और सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह के जो कि इंफॉर्मेशन ओपन होगी। तो दोस्तों, आप अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका जो कि राज्य है, यहाँ पे अपना राज्य को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर एंटर करना है और यहाँ पे जो कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका पता है, यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ फिर से अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपल सा सेव एंड कंटिन्यू यहां पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे जो कि आपके सामने यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगेगा। यहां पे यदि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, आपको यहां पे इंटर करना है। यदि नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो और यहाँ पे आपको मंथली इनकम अगर नहीं है तो ये सबको छोड़ देना है और सिंपल सा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑक्यूपेशन एंड स्किल, वो जहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं, सिंपल सा यहाँ पे इंटर करना है उनकी जानकारी को। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, वो ये काम को कब से कर रहे हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे जो कि बैंक अकाउंट की डिटेल मांगेगा। यदि आपका बैंक अकाउंट जो कि आधार से लिंक है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे नो पे ही रहने देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यदि आपको नया अकाउंट नंबर को यहाँ पे लिंक करना है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे एस पे क्लिक करना है और अपना जो कि बैंक अकाउंट को यहाँ पे फिल करना है और सिंपल सा आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे फिर से कुछ इस तरह का जो कि फॉर्म ओपन होगा।
तो दोस्तों आपको एक बार अपनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पढ़ लेना है और देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है और सिंपल सा यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और सिंपल सा आपको यहाँ पे इंटर करके इसको वेरीफाई करना है और इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल सा सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम सबमिट करते हैं हमारे सामने यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर अनऑथराइज वर्कर का जो कि यह कार्ड है जनरेट होके ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो कि हमारा है श्रमिक कार्ड बन चुका है और सिंपल सा इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे डाउनलोड UN कार्ड यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से बिना CSC ID कोई भी यूजर ID और पासवर्ड के जो कि अपना यह श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।